नमस्कार दोस्तों, शिवपाल यादव इस विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, अटकलें तेज। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभल जिले की यादव बाहुल सीट गुन्नौर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। दरअसल यहां जारी एक पोस्टर में शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए दिख रहे हैं, जिससे उनके इस सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पोस्टर में शिवपाल सिंह की ओर से साफ तौर पर लिखा गया है कि जैसे साल 2004 में नेताजी को आशीर्वाद मिला है, वैसे ही अपने के लिए आशीर्वाद की चाहत रखते हैं। पोस्टर में लिखा है कि प्रिय क्षेत्रवासियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि गुन्नौर से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। वर्ष 2004 के विधानसभा उपचुनाव में नेताजी को नेतृत्व करने का मौका गुन्नौर विधानसभा के लोगों की जन आकांक्षाओं को देखते हुए हमने विधानसभा चुनाव 2022 में गुन्नौर से लड़ने का निर्णय लिया है। आशा करता हूँ आप हमारा सम्मान बरकरार रखेंगे। शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर की जनता से अपना जुड़ाव भी बता रहे हैं। 2004 से अपना पारिवारिक रिश्ता का भी शिवपाल जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि शिवपाल विधानसभा चुनाव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जसवंत नगर सीट से शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं। इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। वायरल पोस्टर आधिकारिक है या नहीं, इस पर सवाल जरूर बनता है। गुन्नौर विधानसभा यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है। फिलहाल इस सीट पर भाजपा के अजीत कुमार राजू MLA हैं। गुन्नौर विधानसभा 111 सीट से 2007 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरे, उनको जीत मिली और 54,696 वोट हासिल हुए। जसवंत नगर इलाके की PSP के प्रभावी नेताओं की बात को यकीन करें तो शिवपाल सिंह यादव अपने स्थान पर अपने बेटे आदित्य को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, इसलिए आदित्य की सक्रियता लगातार बनी हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।